हेलो गाइस, आप सभी का बाला की रसोई यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज की रेसिपी है मसाला पनीर बनाना। तो आइए स्टार्ट करते हैं मसाला पनीर बनाना। मसाला पनीर बनाने के लिए ये हमने 300 ग्राम पनीर लिया है, 3 बड़े प्याज लिए हैं, इसको लंबे टुकड़ों में कट कर लिया है, 3 हमने टमाटर लिए हैं, इसको भी टुकड़ों में कट कर लिया है, ये 8 से 10 हमने लहसुन की कलियाँ, थोड़ा सा जीरा और 1 मोटी इलायची और 5 हमने लौंग ली हैं, ये 1 चम्मच हमने गरम मसाला लिया है, 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर और 1 छोटा चम्मच हमने देगी मिर्च पाउडर और 1/4 चम्मच हमने लाल मिर्ची पाउडर और 1/2 चम्मच हमने कस्तूरी मेथी ली है और ये नमक स्वाद अनुसार लिया है। तो आइए बनाते हैं मसाला पनीर। ये मैंने कढ़ाई को गैस पे रख दिया है। सबसे पहले मैं कढ़ाई के अंदर ऑयल डालूंगी, ऑयल मैं थोड़ा सा ज़्यादा डालूंगी। ऑयल हमारा गर्म हो चुका है, अब मैं ये प्याज को फ्राई कर लूंगी। प्याज को गोल्डन ब्राउन होने तक मैं इन्हें फ्राई करूंगी। प्याज को और प्याज के साथ ही मैं ये लहसुन भी डाल देती हूँ, इसे भी फ्राई कर लूंगी। और ये हमारे प्याज ब्राउन होने लगे हैं, जब तक ये और ब्राउन होते तब तक मैं ये टमाटर को पीस कर तैयार कर लेती हूँ। और ये हमारे टमाटर पीस कर तैयार हो चुके हैं और इधर हमारे ये प्याज भी ब्राउन हो चुके हैं। और अब मैं इन प्याज को एक प्लेट में निकाल लूंगी। ये हमारे प्याज मैंने तेल में से निकाल लिए हैं और इसे मैं ठंडा होने दूंगी। अब मैं इसमें ये जीरा और मोटी इलायची डालूंगी, लौंग को अभी नहीं डालूंगी क्योंकि ये उछल के मुंह पे आएंगी। और अब मैं इसके अंदर ये मसाले डाल दूंगी, साथ ही मैं ये टमाटर भी डाल दूंगी। अब मैं इसमें थोड़ा सा पानी डाल दूंगी, जार को धो के नहीं। मैं ये मैंने 4-5 हरी मिर्च, इन हरी मिर्च को भी इसमें पकने दूंगी। हरी मिर्च इसमें बहुत बढ़िया लगती हैं मसाला पनीर में। अब ये लौंग भी डाल दूंगी मैं इसमें और मसाले को पकने दूंगी फिर से। इधर ये हमारे प्याज ठंडे हो चुके हैं, इसको मैं जार के अंदर डाल के ग्राइंड कर लूंगी। और ये हमारे प्याज भी ग्राइंड हो चुके हैं, हमारा ये टमाटर भी भून चुका है मसाले का। अब ये हम प्याज भी इसी में डाल देंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लूंगी मैं। आप चाहे इसके अंदर एक या 2 चम्मच दही भी डाल सकते हैं, मैं नहीं डाल रही हूँ। और अब मैं इसमें ये थोड़ा सा पानी डालूंगी। और अब मैं इसे पकने दूंगी मसाले को, 1 से 2 मिनट तक पकने दूंगी। तो आइए चेक करते हैं, ये मसाला हमारा बनकर तैयार हो चुका है। अब मैं इसके अंदर ये पनीर डाल दूंगी। और इसे अच्छे से मिक्स कर लूंगी। और फिर से मैं इसे 1 मिनट के लिए ढक के पकने दूंगी। तो आइए फिर से चेक करते हैं हम। ये देखो हमारी सब्जी का कलर कितना बढ़िया आया है,
मसाला पनीर, ये देखो कितने अच्छे से बनकर तैयार हुई है हमारी सब्जी। गैस को बंद कर दूंगी और सब्जी को एक बाउल में सर्व करूंगी। और ये हमारा मसाला पनीर बनकर तैयार हो चुका है। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।